धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के मेला ग्राउंड में 19 से 21 मई तक श्री हनुमत कथा का आयोजन होने जा रहा है। विश्वविख्यात श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री श्री हनुमत कथा का गुणगान करेंगे। इस कथा के आयोजन को लेकर समूचे हरियाणा प्रदेश में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस कथा कार्यक्रम को लेकर आज संत महेश मुनि जी के अखाड़े में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राजेंद्र पराशर महंत महेश मुनि जी महाराज, संत दर्शनदास जी, गोपालदास जी, संत लक्ष्मी नारायण पुरी जी महाराज के साथ भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष साहिल सुधा भी मौजूद रहे। कथा कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सभी सनातन प्रेमियों और राम भक्तों को कथा में पहुंचने का निमंत्रण भी दिया गया। देखिए, सब पत्रकार भाइयों को सबसे पहले तो जय श्री राम, और एक विशेष और खुशी की सूचना हम जो है आपके द्वारा नगरवासियों को देना चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म के स्तंभ बागेश्वर सरकार, जो कि जनता की विशेष डिमांड पर कुरुक्षेत्र में जो है हनुमंत कथा करने आ रहे हैं, उसके लिए हम चाहते हैं आप पत्रकार भाई जितने भी हैं, छायाकार बंधु जितने भी हैं, आप लोग उसमें बढ़ चढ़कर जो है सहयोग करें और जन जन तक ये संदेश दें, वो सनातन धर्म का ध्वज लेकर के कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं। और 19, 20, 21 यानी आप मान के चलिए आज शनिवार है, कल रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 दिन का ये उनका कार्यक्रम जो है शाम जो है 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा। लेकिन जनता से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको 4 बजे आना चाहिए। जो व्यक्ति पहले आएगा उसको पहले स्थान मिल जाएगा और उसको जो है कोई असुविधा होगी नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमारे शास्त्रों में भी एक बात आती है, हनुमंत लाल जी महाराज एक बार समर्थ गुरु रामदास जी से लोगों ने पूछा कि आप ये कहते हैं कि कलयुग में हनुमंत लाल जी प्रकट हैं, हनुमंत लाल जी जो है राम भक्त हैं और हर समय जो है विशेष करके जहां राम कथा होती है वहां जो है हनुमान जी रहते हैं, तो हमने कभी देखे नहीं। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने एक बात कही थी, बोले याद रखना जो सबसे पहले आता है और जो है बूढ़ा ऐसा जो है रूप बना करके आता है कोई पहचान ना पाए, और सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। ये बात मैंने इसलिए कही है, प्रमाणित बात है, जहां हरि चर्चा होगी वहां हनुमंत लाल जी किसी न किसी रूप में अवश्य होंगे। तो मेरा कहने का भाव यह कि जो पहले आएगा, जो 4 बजे आएगा, उसे किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। और हमें खुशी की बात यह है कि बागेश्वर धाम सरकार जो है हमारे कुरुक्षेत्र में पहली बार आ रही, और हम चाहेंगे कि उनका स्वागत और उनकी कथा में जो है जन जन, माताएं, बहनें, बच्चे, नौजवान, बूढ़े अपना आकर के जो है कथा श्रवण करें, वो अपने जीवन को जो है सफल बनाएं। और ये विशेष करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कथा जो है श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट सिरसा उनके सौजन्य से हो रही। वो जो है सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, बहुत बड़ा डेरा है उनका महाराज जी का, तारा बाबा जी का, और उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के सौजन्य से ये कार्यक्रम जो है कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के ऊपर जो मेला ग्राउंड है वहां पर यह है कार्यक्रम रखा गया है। और मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप जो है अपने माध्यम से जन जन तक जो है सनातन धर्म का प्रचार करो, उनकी आवाज पहुंचाओ, ताकि जो है सनातन धर्म का ध्वज, जिसकी आज जरूरत है जीवन में, आप पत्रकार बंधु जितने बैठे हैं, हर आदमी आराम चाहता है और आराम एक ही जगह मिलेगा, क्यों कि आराम की तलब है। तो एक काम कर, जीवन में एक ही काम करना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या आराम की तलब है तो एक काम कर, बोले क्या काम करना पड़ेगा, वो बोले आराम की शरण में और राम राम। अगर जो है आप राम 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 की शरण में आ जाएंगे, बोले फिर अगर जब राम जी के शरण में आ जाओगे तो राम जी रखेंगे कैसे, बोले जिमी बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त को ऐसे रखते हैं जैसे बालक जो है माँ अपने बच्चे को अपने गोदी में पनाह देती है, आशीर्वाद देती है, पालती है। व्यवस्था जो है लोग अपने अपने ढंग से आ रहे आएंगे। देखो हम जो है कोशिश हमारी यही रहेगी, जो हमारे सहयोगी हैं सहायक सेवा कुरुक्षेत्र मनोकामना सिद्ध
हनुमान सेवक मंडल जो है वो वॉलंटियर जो है लगा रखे, जिस व्यक्ति जो आदमी बूढ़ा है उसके लिए व्यवस्था करेंगे, और जो व्यक्ति जो है अपाहिज है या विकलांग है जो किसी कारण अगर वो नहीं चल पाता उसके लिए भी जो है ई रिक्शा का प्रबंध करेंगे ताकि वो कथास्थल तक जो है वो पहुंच सके। और बाकी ये मैं यही चाहता हूं कि आप पत्रकार भाई जितने बैठे हैं आपको आपका स्वागत है, आप लोग तो वहां रहेंगे, और क्योंकि पत्रकार भाई विशेष करके स्तंभ है, एक समाज का एक ऐसा स्तंभ है जो है यानी आपके माध्यम से ही इस कथा का प्रचार होगा। और मैं एक बात दावे से कहता हूं, आप भी कथा शुरू करेंगे और कथा का प्रचार करेंगे, आपके परिवार भी सुखी रहेंगे, ऐसी मेरी यही शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। इसलिए एक बार पुनः 19-20-21 यानी रविवार, सोमवार और मंगलवार, वही कारण 18 ना जी, 19-20 पाँच नहीं, मैंने हम कहेंगे 4 बजे आए, कथा तो ठीक 5 बजे शुरू हो जाए, लेकिन 4 बजे आने से जो है हर व्यक्ति को अपना अपना स्थान मिल जाएगा, उनको सुविधा रहे। ये इसलिए मैंने कहा है जनता जनार्दन से कि आप जो है सभी माताएं बहनें भाई बुजुर्ग जितने भी हैं आप जो है अवश्य 4 बजे मेला ग्राउंड जहाँ जो है कथा पंडाल बना हुआ है आप वहाँ आए, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इसलिए आप सभी मेरे प्रेस जितने भी भाई हैं मैं आपसे एक बार फिर जय श्री राम की अपील करता हूँ, आप सनातन धर्म का प्रचार करें। जी जी नहीं नहीं हमारा इससे राजनीति का कोई मतलब नहीं है। देखिए ये तो जनता की पुकार है, जनता चाहती है, और बहुत समय से हम लोग देखिए मैं सनातन धर्म प्रचारक मंडल का महामंत्री हूं उत्तरी भारत का, और हमने बड़ी कोशिश की, हम भी कई बार पहले उनसे मिले कि आपको क्षेत्र आइए, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था। अच्छा लेकिन हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम लोग जो है सनातन धर्म प्रचारक मंडल की तरफ से उनको बुला सके, इतनी व्यवस्था कर सके, लेकिन ये कृपा जो है क्या बोलते हैं बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो है हमें इतना हमारे ऊपर जो है कृपा की और उन लोगों ने हमें सहयोग दिया और उनको जो है बुलाया यहाँ पर। कितने लोगों को बैठने की लगभग हमारी बैठक 1 लाख से ऊपर ही होंगे, व्यवस्था जो है लगभग 1-1.5 लाख की व्यक्तियों के रहने की जो है। वैसे ऐसी मेरे ख्याल में पास की व्यवस्था तो है नहीं, बागेश्वर बाबा का क्रेज है बड़े लोग मतलब उम्मीद ये रख रहे कि शायद पास हो गए एंट्री पास हो, क्योंकि हर आदमी सुविधा चाहता है। नहीं एंट्री फ्री है, एंट्री फ्री है। एक बात और बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए, यानी 20 तारीख को महाराज जी दरबार लगाएंगे और वो दरबार जो है 1 बजे शुरू हो जाएगा, दोपहर कथा 5 बजे होगी, क्योंकि ये बीच का वाला दरबार जो है जितने भी उनके कोई पूछने वाला है या जो जो दरबार लगाएंगे 9 बजे हाँ एक उस दिन जो है 1 बजे से 9 बजे तक चलेगा, 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक कथा चलेगी, और 1 बजे से लेकर के जो है 5 बजे तक जो लोग वहाँ जो है पूछने वाले हैं। कथा में कहाँ कहाँ के लोग आएंगे क्षेत्र के अलावा? देखिए मैं आपसे बताऊँ, मैं खुद प्रचार कर रहा हूँ, रात में गुड़गांव में था, गुड़गांव से भी लोग आ रहे हैं, लोग जो है बाबा जी को सुनने के लिए बागेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए वो लोग जो है बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि जो उनके अपने सेवक हैं वो लोग भी आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि कुरुक्षेत्रा का विशेष योगदान रहे कि कुरुक्षेत्रा की जनता जो है सारे मिल करके, ताकि वो लोग ये ना कहे कि हम बाहर से आए हैं, ये कुरुक्षेत्रा की जनता का होना बहुत जरूरी है। हमने आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई है, हमारे महेश्वर जी हमारे सब सज्जन जो है आप देख रहे हैं सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब जो है प्रचार कर रहे हैं,